स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर। तो इसके लिए लिया है मैंने, ये कम से कम चार लोगों के लिए बन जाएगा, एक टमाटर, एक प्याज, ड्रमस्टिक, गाजर, बीन्स और जो आपके सब पास सब्जी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। मैं इसमें आलू भी डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ली है हमने एक पाव अरहर दाल, तो आप इसको अच्छे से धो लीजिए पहले सब कुछ। और अरहर दाल ली है, अरहर दाल में ही बनाना है हमें इसे। और इसको मैं अच्छे से धो के आगे की रेड में उतारती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सारी सब्जी अच्छे से धो दी है, दाल धो दी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे दाल से ऊपर तक। शॉर्टकट बनने वाला सांभर है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। आप तड़के वाले सांभर में जो हम अलग से सब्जियां बनाते हैं या फिर इस सांभर में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे अब नमक और हल्दी। सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको सीटी लगाना है, 4 से 5 सीटी और 5 मिनट हल्की आँच में। तो आपके पास जो भी सब्जी है आप वो डाल सकते हैं, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो लौकी हो, कुछ भी हो। मेरे पास जो था मैंने सिर्फ वो डाला है। डालेंगे अब नमक अंदाजे के साथ और डालेंगे हल्दी। मैं मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बनने के बाद बेबी के लिए निकालना है। तो आपके पास अगर ऑप्शन है कि आपके घर में छोटा बेबी नहीं है तो आप मिर्ची डाल सकते हैं, बट मैं बाद में मिर्ची डालूंगी। थोड़ा सा इसको हम बना लेने के बाद, निकालने के बाद मिर्ची डालेंगे। तो सांभर का जो ये दाल और सब्जी है ये हो चुका है नमक हल्दी डाल के। अब इसको लगाएंगे हम सीटी। आपको जैसे बताया मैंने 4 से 5 सीटी, 5 मिनट हल्की आँच या 10 मिनट हल्की आँच में आप रख सकते हैं। सांभर रेडी है, अब इसमें हम तड़का मारेंगे। पहले मैं जो बेबी के लिए निकाल लूँ, अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा है तो वैसे ठीक हो जाएगा, बट मेरा ठीक है, पतला भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं है। अभी चलाना बाकी है। तो हम इसमें हम तड़का मारेंगे। लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च रखी है और इससे हम तड़का मारेंगे। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं है, ज़रूरी नहीं कड़ी पत्ता ना हो तो सांभर नहीं छोक सकते। फिर हम डालेंगे सरसों का तेल, राई, काली वाली राई होती है ना, काली वाली राई है। लाल कर लेना है, आप कर देनी है गैस बंद। इसमें हम डालेंगे सांभर पाउडर 1 से 2 चम्मच। ध्यान रहे गैस बंद होनी चाहिए, हमें जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सांभर, पलट देंगे, तो पलट दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर या 1 नींबू। तो मेरे पास नींबू है तो मैं नींबू डालूंगी इसमें, 1 नींबू डाल देंगे, डाल देंगे। बस इसको 2 मिनट के लिए गैस जला के हम ढक देंगे। अभी हमें डालनी हींग, लास्ट में हमें ये डालनी हींग। इसे मैंने हींग डाल दी है इसमें, अब इसको 2 मिनट के लिए उबलने देंगे तो हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। तो गाइस हमारा सांभर रेडी हो गया है, इसको हम चावल के साथ खाएंगे, राइस और सांभर। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, जरूर कमेंट में बताएं। और ये बहुत टेस्टी होता है और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो गाइस इसको आप गाढ़े के चक्कर में मत पीजिएगा क्योंकि ये ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा। अरहर दाल होती है तो मुझे ऐसे ही पसंद है, ज़्यादा गाढ़ा सांभर मुझे पसंद नहीं है। तो ये बिल्कुल पतला नहीं है, आपको ऐसा कैमरे में लग रहा है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कैमरे की पतला पतला लग रहा है, बट पतला नहीं है, ये गाढ़ा है। देखिए सेम मैंने सांभर पेटी के लिए निकाला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।